स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार्य ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक मुहिम चलाई है जिसके जरिए आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी ताकि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। तो उसी के तहत आज मैं लेके आया हूँ साइंस का 9th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट। तो हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है वो है मेटेरियल और सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम पढ़ते हैं आज हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। मैटर या पदार्थ, व्हाट इज मैटर? सबसे पहले बात होती है मैटर की, तो पदार्थ है क्या? तो मैटर क्या है? द सब्सटेंस, वही मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। यानी कि कोई भी वस्तु जो इसके अंदर क्या हो, मास हो और क्या हो, स्पेस की जगह ऑक्युपाई करे, यानी कि इसके अंदर द्रव्यमान भी हो और वो जगह भी ले, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो और वो जगह ले, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो दूसरी बात, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो समझ में आया क्या है? मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव ऑक्युपाइड स्पेस एंड व्हिच हैव मास, यानी कि उसके अंदर क्या हो, मास हो और क्या हो, जगह को भी घेरे, यानी कि स्पेस को भी क्या करे, ऑक्युपाई करे। एंड व्हिच इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब बात आती है मास की। तो मास क्या है? कोई भी वस्तु है वो कितने पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो क्या है? मास है। मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी वस्तु में कितने अणु हैं, किसी वस्तु में कितने अणु विद्यमान हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। मास है कि द सब्सटेंस व्हिच हैव हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स, यानी उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम या मास को हम मेजर करते हैं इसमें किलोग्राम में, इसमें करते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। दूसरी बात, जो मास है वो हमेशा बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे पृथ्वी पे है, चाहे चांद पे है, कहीं भी जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। भार जो है, वेट है, वो बदलता रहता है, परंतु इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म, पदार्थ होते हैं कि गुणधर्म क्या है, पदार्थ या पार्टिकल्स हैं क्या गुणधर्म होंगे? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके अंदर क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है? खाली स्थान। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, गुणधर्म हो गए। अब हम ये जो गुणधर्म है इनको आगे डीपली करेंगे, थोड़ा सा गहराई से करेंगे। तो सबसे पहले हम तो हम कह रहे थे पार्टिकल और मैटर कंटिन्यूस में है। तो किस प्रकार किसी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो निरंतर गतिमान रहते हैं, तो इसको एग्जांपल के द्वारा करते हैं। पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जो पदार्थ कण होते हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है वो देखते हैं। मान लो एक गिलास पानी है, उसके अंदर आप एक डालते हो, तो आप उसको अगर हिलाओगे नहीं पानी को, फिर कोई उसका पूरा स्थान ले लेती है। क्या है? उसके अंदर जो पार्टिकल है वाटर के, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं, इंक अपने आप में डिसॉल्व हो रही है। तो क्या हुआ? एज द टेंपरेचर राइज, पार्टिकल मूव्स फास्टर, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थ की जो कण है उनकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। टेंपरेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इस प्रकार अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पदार्थ हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं,
क्या है, जब पानी डालते हैं उसके अंदर चीनी मिला रहे हैं शुगर, उसके अंदर क्या डिजोल्व करेंगे, शुगर डिजोल्व करते हैं, तो क्या होगा, ठंडे पानी के अंदर जब आप चीनी मिलाओगे तो जल्दी से नहीं मिल पाएगी, किसकी कंपेरिजन में, गर्म पानी के कंपेरिजन में, क्योंकि जब हम गर्म पानी में चीनी को डिजोल्व करते हैं, शुगर को डिजोल्व करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गर्म करने के द्वारा पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, चीनी जो है वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी पदार्थ में, किसी भी पार्टिकल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, पदार्थ में कोई भी चीज मिलाएंगे तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। अब इंक है, इंक अपने आप छान लेती है पानी में, उसको हिलाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पार्टिकल है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दूसरी बात, मूवमेंट पदार्थ है वो गति कैसे करते हैं, जैसे सोलिड मिनिमम इन सोलिड, ठोस में जो पदार्थ है कण पार्टिकल्स है, किसी पदार्थ में पार्टिकल है वो ठोस में सबसे कम गति करते हैं, उससे ज्यादा लिक्विड्स में, उसे ठोस की बजाय लिक्विड में ज्यादा गति करते हैं, और लिक्विड की बजाय गैस में ज्यादा गति करते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ में क्या होती है, पदार्थों के अंदर पार्टिकल्स की क्या होती है, गति होती है, मूवमेंट होती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगी, गैस में, और उससे कम किसमें होगी, लिक्विड में, और उससे कम किसमें होगी, सोलिड में, तो सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम है तरल में, और उससे कम है ठोस पदार्थों में, इस प्रकार गति होती है। पार्टिकल पोजिस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी कणों के अंदर क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और गतिज ऊर्जा के कारण ही जो पार्टिकल कण है वो क्या करते हैं, गति करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जैसे जैसे हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा, किसी पदार्थ के अंदर जो कण है उनकी गति किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, सबसे कम गति किसमें होगी, ठोस में, और उससे ज्यादा तरल में, और उससे सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। तो अंतर जो मैटर है, मैटर का सेकंड पार्ट था पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, हमें कैसे पता चलेगा किसी भी पदार्थ के कणों के अंदर स्पेस होता है, जगह होती है, कैसे पता लगेगा, तो इसके बारे में करते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके, क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, यानी कि किसी भी पदार्थ के कणों के अंदर बीच में एक स्थान पाया जाता है, कैसे, हम किसी बीकर में पानी लेते हैं, मान लो हमने किसी बीकर में पानी ले लिया, पानी लेने के बाद हम उसका एक लेवल है उसके ऊपर निशान लगा देते हैं कि यहां तक हमने क्या लिया, पानी लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो चम्मच चीनी मिलाएंगे, कितनी मिलाएंगे, दो चम्मच चीनी, यानी कि शुगर को ऐड करेंगे दो चम्मच को, या फिर नमक मिलाएंगे, तो हम मिलाने के बाद हम देखते हैं कि पानी का जो लेवल है वो वहीं तक रहता है, बढ़ता नहीं है, तो चीनी या फिर वो साल्ट है, नमक है, वो कहां गया, क्योंकि पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल थे उसके अंदर क्या था, बीच में था, तो जो चीनी या जो नमक है वो किसके अंदर डिजोल्व हो गया, उन जो खाली स्थान बचा हुआ था उसके अंदर क्या हो गया, मिल गया, उसके मिलने के वजह से क्या हुआ, जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हमें पता चलता है किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, स्पेस होता है उसके अंदर, ठीक है। अब गति देखते हैं, गति कहां कितनी होती है, मिनिमम इन सोलिड पार्टिकल की जो गति है, कणों की जो गति है सबसे कम किसमें होती है, ठोस में, ठोस में क्या होती है, पदार्थ के कणों की गति सबसे कम, यानी कि जो जगह है वो सबसे कम किसमें पाई जाती है, रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, सबसे कम है सोलिड में या ठोस में, और पदार्थ कणों के बीच में ठोस से ज्यादा किसमें पाया जाता है, तरल में, तरल में जो रिक्त स्थान है वो ठोस से ज्यादा पाया जाता है। बात करें गैसेस की, तो सबसे ज्यादा जो रिक्त स्थान है मैक्सिमम किसमें पाया जाता है, गैसेस में, तो
सबसे ज्यादा स्पेस है वो किसमें पाया जाएगा? गैसेस में पाया जाएगा। सबसे कम किसमें था? सॉलिड में, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम पाया जाता है, वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, उनके बीच में स्थान नहीं होता। और जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, तरल में सबसे ज्यादा स्थान होता है। और बात करें गैसेस की तो सबसे ज्यादा स्थान किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल और मैटर में स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि किसी पदार्थ की कंपोजिशन क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया था, एक गिलास पानी का लिया, पानी के अंदर हमने क्या किया, एक पानी सांप लगा लिया उसमें कि यहाँ पर पानी है, उसमें चीनी ऐड करी या फिर नमक ऐड किया, ऐड होने के बाद तो डिजोल्व होने के बाद फिर से लेवल देखते तो उतना ही रहता है। ये क्यों रहता है? चीनी डिजोल्व करी है, नमक डिजोल्व करा, वो कहाँ गया? क्योंकि पदार्थ के अंदर उसमें क्या था? रिक्त स्थान था, तो वो सारा जो नमक या चीनी है उसके अंदर क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। तो मैटर की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्या थी? पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल हैं, पदार्थ के जो कण हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। कैसे पता लगेगा? पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया नल का, नल में जब पानी आता है तो हम उसके आगे अपनी उंगली लगाते हैं, जैसे उंगली लगाएंगे पानी क्या करेगा? डिफ्यूज रुकेगा नहीं ना, क्या होगा? वो अपनी धारा को यहां से कर लेगा और उंगली के उस साइड से निकल जाएगा, नीचे आके फिर से हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? उसके कण है वो एक दूसरे क्या है? अट्रैक्ट है, टूट नहीं रहे होंगे उसमें। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आयरन मेल का, लोहे की जो कील होती है हम उसको जब हैमर के द्वारा हथौड़े के द्वारा पीटते हैं तो क्या हो जाता है? वो लंबी होने लग जाती है, नहीं टूटती है, बीच से कभी नहीं टूटती, हो ज्यादा ही चोट मारते हैं उसके बाद जाके वो टूटती है। यानी किसका मतलब क्या है? जो कण है उसमें क्या है? बिल्कुल अट्रैक्ट आकर्षित किए होते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कणों के अंदर जो आकर्षण का जो बल है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा ठोस में पाया जाता है, उससे कम किसमें होता है? लिक्विड में। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट किए होते हैं परंतु ठोस की बजाय कम। गैसेज में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, नेग्लिजिबल होता है गैस का, आप देख नहीं सकते, गैस क्या होती है? बह निकल जाती है। तो इस प्रकार ये जो गुणधर्म थे वो किए हमने, जो हमने आज काम किया है इसको अपने एक फेयर कॉपी में नोट्स के लिए, नोट्स के द्वारा तो नोट्स की तरह लिखना है इसको, जितना भी काम डेली दिया जाता है उसको उसी दिन पूरा करना है। थैंक यू।